हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजीस किचन। टुडे वी आर मेकिंग जर्दा या स्वीट राइस, जिसे हम मीठे चावल भी बोलते हैं। तो आइए देखें, मैंने यहाँ पर 1 कप बासमती राइस लिए हैं, 8 ग्रीन कार्डमम, 8 क्लोव्स, 4 टेबलस्पून घी, खोया, 1 कप शुगर और ऑरेंज कलर और सम केवड़ा वाटर। तो मैंने यहाँ पर कुकर में पानी गर्म करने रखा है, तो हमें पहले राइस बॉईल करेंगे, 3/4 बॉईल करने हैं हमें। तो मैं जनरली कुकर में बनाती हूँ, आप चाहें तो पॉट में भी बना सकते हैं। वाटर मैं इतना लेती हूँ कि राइस अच्छे से अंदर डूब जाएं। यहाँ मैंने ग्रीन कार्डमम लिए हैं और मैं अब इसमें क्लोव्स ऐड करूँगी। अब इसमें 1/4 टीस्पून ऑरेंज कलर ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो कलर ऐड करें, अगर नहीं चाहें तो आप वाइट कलर की भी स्वीट राइस बना सकते हैं, दिस इज़ टोटली ऑप्शनल। अब मैं इसे मिक्स करके और बॉईल करूँगी। ये देखें, पानी मेरा बॉईल हो गया। अब मैं इसमें जो मैंने सोक करके रखे थे राइस, ये मैंने 30 मिनट्स के लिए सोक किए थे, तो अब मैं स्ट्रेन करके ये राइस ये कलर्ड वाटर में डाल दूँगी और इसे मैं 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। लेमन जूस से जो राइस हैं आपके वो थोड़े स्टिफ़ हो जाते हैं, खड़े रहते हैं। बासमती राइस जनरली सॉफ्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसमें बहुत जल्दी सॉफ्ट नहीं होंगे। तो मेरे 3/4 डन हो गए, अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। अब मैंने इसका जो थोड़ा सा वाटर था वो नीचे बॉटम में छोड़ दिया, मैं हाफ जो राइस हैं वो नीचे डालूँगी, हम लेयर बनाएंगे। तो अब मैं इसमें हाफ राइस नीचे, उसके बाद मैं हाफ राइस ऊपर और उसके बीच में मैं उसमें शुगर और घी ऐड करूँगी। तो मैं 1 कप शुगर लिए, तो हाफ मैं अभी डालूँगी, हाफ ऊपर से डालेंगे। ऐसे ही अब मैं जो हाफ जो खोया है मेरे पास वो मैं अभी बीच में डाल दूँगी, उससे क्या होगा जो ये मेल्ट होके खोया राइस के अंदर चला जाएगा, तो बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है राइस का। और 2 टेबलस्पून घी अभी ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून ऊपर से। बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बनते हैं ये राइस, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो बाकी के राइस अब मैं ऊपर से डाल दूँगी और जो शुगर मेरी बची थी वो, बाकी का घी। और ये ऊपर से खोया, सारा नहीं डालना खोया, मैं थोड़ा सा लास्ट के लिए बचा के रखूँगी। ग्रेट करके बहुत थोड़ा डालना है, तो नीचे भी मैंने थोड़ा डाला, ऊपर भी थोड़ा। अब मैं इसके थोड़े से चंक्स ऐसे ही तोड़ के डाल दूँगी। ये हमारा कुक होने के बाद थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाएगा और थोड़ा हम वाइट डालेंगे तो वो लास्ट में हम गार्निश करेंगे, तो मैं थोड़ा बचा लूँगी। मैंने जो राइस स्ट्रेन करी थी उसमें से थोड़ा सा वाटर मैंने रोक लिया था, तो मैं ऊपर से सिर्फ 2 या 3 टेबलस्पून ऊपर से स्प्रिंकल करूँगी, सो दैट जब मैं कुकर बंद करूँ तो वो स्टीम जनरेट हो और बर्न ना हो मेरे राइस। और मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून केवड़ा वाटर ऐड किया है। अब मैं कुकर को बंद करूँगी और विसल लगा के, पहले मैं 1 विसल के लिए हाई फ्लेम पे 1 विसल दूँगी, उसके बाद मैं सिम करके रख दूँगी फॉर अबाउट 5 to 10 मिनट्स। ये देखें, मेरे 5 to 10 मिनट्स के बाद मैंने कुकर खोला तो मेरे राइस बिल्कुल पक चुके हैं, बिल्कुल भी वाटर नहीं है अब इसमें।
और सॉफ्ट भी अच्छे से हो गए हैं जब हम डिश आउट करेंगे। रेसिपी ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।